वेलकम टू द चैनल, हाउ यू गाइस डूइंग। तो आज का व्लॉग ट्रेन स्टेशन से शुरू हो रहा है। मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी मेरे हस्बैंड यहाँ से ट्रेन के टिकट्स कलेक्ट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी, बस यहाँ आके आपने कलेक्ट करना है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्यू में खड़े हों और वहाँ से परचेज़ करें। हमें ये ऑप्शन ज़्यादा ईजी लगता है, तो बस इसी वजह से अभी मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे हैं कि कौन से टिकट रिटर्न के हैं और कौन से हमें अभी यहाँ यूज़ होंगे। और अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ, जहाँ हमने 10 to 15 मिनट्स वेट करना है ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन के आने में थोड़ा सा टाइम है। और हमारी जो ट्रेन है वो 11 o'clock है और हम 10:40 के अराउंड घर से निकल आए थे, क्योंकि ट्रेन स्टेशन हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। और मेरे ब्रदर इन लॉ ने हमें लिफ्ट भी दे दी, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। इस वजह से हम यहाँ वेट करेंगे। हम 3 days की ट्रिप पे जा रहे हैं ईस्ट बोर्न। काफ़ी टाइम से हमारा वहाँ जाने का प्लान था, लेकिन कभी वेदर सही नहीं होता था तो कभी कोई और वजह हो जाती थी। फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से तो वैसे भी सब कुछ बंद था। फिर जैसे ही सब कुछ बैक टू नॉर्मल हुआ, तो हमने डिसाइड किया कि वेदर भी अच्छा है और मौका भी है जाने का, तो बस हम निकल गए घर से। 10 minutes की वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। हमारी जो 40 minutes की जर्नी है वो इस ट्रेन में है, क्योंकि हम लंदन जाएंगे। लंदन हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 40 minutes का रास्ता है। और फिर हम वहाँ से अंडरग्राउंड सफ़र करेंगे डिफरेंट ट्रेन्स में, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम क्या क्या करते हैं। वैसे अंडरग्राउंड में काफ़ी रश होता है, लाइक रिकॉर्ड करने का तो टाइम ही नहीं होता, इंसान बस एक दूसरे के पीछे भागता रहता है। लेकिन मैं फिर भी अपना ट्राई करूँगी, कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करूँ आप लोगों के लिए। अभी हम लंदन पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ से अंडरग्राउंड ट्रेन्स की तरफ जाएंगे। Up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the words out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe, can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, अंडरग्राउंड में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जो हमारी लास्ट ट्रेन थी वो हमें मिल नहीं रही थी। हमने सिक्योरिटी वहाँ जो होती है उनसे पूछा, तो हमारी ट्रेन में सिर्फ 5 minutes का टाइम था। अगर हम टाइम पे नहीं पहुँचते वहाँ पे, तो हमें फिर 1 घंटा दूसरी ट्रेन के आने के लिए वेट करना पड़ता। तो लकीली हम टाइम पर पहुँच गए भागते भागते। इस ट्रेन में हमारी 1 घंटे की जर्नी है और उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। व्यू काफ़ी अच्छा था यहाँ का, तो मैं थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया। और यहाँ मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा हाथों को जल्दी से सैनिटाइज करती हूँ। और ये नया सैनिटाइज़र था, तो मैं बार बार इसको स्मेल करी थी कि इसकी फ्रेगरेंस कैसी है, क्योंकि मुझे सैनिटाइज़र की फ्रेगरेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मेरे साथ ज़्यादा कुछ था नहीं, बस क्रिस्प का पैकेट था, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। ये मेरी हैबिट है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं सुबह में कुछ खाती नहीं हूँ। I've been my life, you be dancing on the moon. I've
compass was wrong, and I'm still on my way. Losses to where I belong. I'm still rolling the dice, praying some less than. Finally, हम पहुंच गए हैं ईस्टबोर्न. ये है ईस्टबोर्न का स्टेशन. सामने की तरफ वे आउट है, वो है टाउन सेंटर. और मुझे यहाँ पे काफ़ी प्यास लग रही थी, तो मैंने हस्बैंड को कहा पहले पानी वगैरह ख़रीद लेते हैं, फिर होटल की तरफ चले जाएंगे. तो हम दोबारा से टर्न हुए और वहाँ स्टेशन में एक शॉप थी, वहाँ गए. वहाँ से कुछ पानी और क्रिस्प वगैरह ख़रीदा और उसके बाद फिर हम होटल की तरफ निकले. पानी वगैरह ख़रीदने के बाद हम सीधा होटल चले गए थे. और होटल ज़्यादा दूर नहीं था, टाउन के बीचों बीच था और रेलवे स्टेशन से 10 मिनट का रास्ता था. तो हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम पैदल ही जाएंगे. और जैसे ही हम होटल पहुँचे तो 5 मिनट हमने लॉन्च एरिया में वेट किया होगा, क्योंकि वो थोड़े से बिज़ी चल रहे थे. और उसके बाद हमने चेक इन किया और थोड़े से फ्रेशन अप हुए और फिर खाना खाने के लिए हम बाहर निकल गए. Maybe my compass was wrong, and I'm still on my way. Closest to where I belong. Still rolling. अभी मैं जल्दी से आपको रूम टूर करा देती हूँ. कुछ ज़्यादा फैंसी रूम नहीं है, बस नॉर्मल सा रूम है. जैसे ही इंटर हो सामने है वार्डरोब और लेफ्ट साइड पे है बेड. और सामने की जो वॉल है उस पर काफ़ी क्यूट सी पेंटिंग्स लगी हुई थी, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी. और उसके बाद आगे है सिटिंग एरिया और टीवी लगा हुआ है. अब हम सिटिंग एरिया से गुजरते हुए आगे जाएंगे. तो आपको कॉर्नर पे वो टेबल दिख रहा होगा, उसके ऊपर है कि टी और कॉफ़ी का स्टफ़ पड़ा हुआ था. मैं आपको दिखा भी दूंगी क्या क्या चीज़ें हैं उसमें. टी है, कॉफ़ी है, मिल्क, शुगर, यही चीज़ें उसके ऊपर पड़ी हुई थी. उसके बाद हम टॉयलेट की तरफ जाएंगे और टॉयलेट भी नॉर्मल सा स्मॉल सा टॉयलेट है. तो ये है टॉयलेट दो बंदों के लिए, बस ठीक है. और उसके बाद मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊँगी कि बाहर का व्यू कैसा है. वो मैं सी दिखाना भूल ही गई उसमें, तो मैं आगे की मेरी वीडियोस में आपको दिख जाएगा कि हमारी विंडो से कैसा है सी का व्यू. Hey, chitty cat. Yeah. I want to see. I can't wait. You want to see the sea? Yeah. It looks really nice. यहाँ हम बातें कर रहे थे कि पानी कितने मीटर तक नीचे जाएगा, क्योंकि सैंड बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी. और हस्बैंड कह रहे थे कि 4 to 5 meters जाएगा, और मैं कह रही थी कि नहीं, 7 to 8 meters जाएगा आफ्टर 6. अभी 4 बज रहे थे तो पानी बहुत ऊपर था. हमने बैट लगाई थी कि जिसका अंदाज़ा गलत होगा वो दूसरे बंदे को आइसक्रीम खिलाएगा. हमने सोचा था कि आफ्टर 6 हम आएंगे, लेकिन फिर हम इतने थक गए थे कि आ ही नहीं सके. तो अभी हम जा रहे हैं खाने खाने के लिए, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम बाहर से सब चीज़ें ख़रीदेंगे, होटल का नहीं खाएंगे. तो इस वजह से अब जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया. कुछ वन या
ऑर्डर किए थे स्पाइसी चिकन विंग्स जो कि बहुत ही टेस्टी थे, और उसके साथ लैम कड़ी थी, स्पाइसी राइस थे, फ्राइज़ और चिकन एंड लैम शीश और सैलड। तो हमने ये सब कुछ ऑर्डर किया था और हमसे जो बच गया था वो हम अपने साथ लेकर आ गए थे पैक करवा के, क्योंकि वेस्ट नहीं करना था। यहाँ हम बातें कर रहे थे कि जाते हुए पानी और स्नैक्स वगैरह स्टोर से ख़रीद के जाएंगे। जब हमने टाइम देखा तो संडे के दिन स्टोर जल्दी बंद हो जाते हैं, तो फिर हमने सोचा कि किसी लोकल शॉप से ज़रूरी सामान ले लेंगे और जो बाकी रह जाएगा वो फिर हम कल आके स्टोर से ख़रीद लेंगे। I think it's fine. We'll get that one. Strawberry and mint color. Okay. Should we? पानी और स्नैक्स वगैरह ख़रीदने के बाद हम होटल रूम आ गए थे, और मैं अभी अपने लिए यहाँ कॉफ़ी बना रही हूँ। वैसे खाना खाने के बाद मैं कॉफ़ी ओटी वगैरह नहीं लेती, लेकिन यहाँ वैसे ही दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने को, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए। दो पैकेट में शुगर के डालूंगी क्योंकि मुझे फीकी चाय और कॉफ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ मैंने हस्बैंड को कहा थोड़ा सा फ़ोन नीचे करके वीडियो बनाओ ताकि अच्छे से दिखे, और बस कॉफ़ी बनाऊंगी और आप लोग देखेंगे कि मैं कैसे बनाती हूँ। कोई लॉजिक नहीं है इसमें, बस सिंपल सी कॉफ़ी है। अभी सुबह के 1 बज रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मैंने काफ़ी ट्राई किया सोने का, लेकिन वो कहते हैं ना कि जगह चेंज हो जाए या पिलो चेंज हो जाए तो इंसान को आसानी से नींद नहीं आती है, तो मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैंने काफ़ी ट्राई किया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा दूँ कि रात के टाइम बाहर का व्यू कैसा है। तो सामने समंदर है और काफ़ी अच्छी लाइट्स भी लगी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। और मैंने सोचा अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर लूँगी, वो पी लूँगी तो शायद नींद आ जाए।
गर्म पानी पीने के बाद मैं फ़ौरन सोने चली गई थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। उस दौरान मैंने दो मूवीज़ भी देख ली नेटफ्लिक्स पे, और जिससे मेरा अच्छे से टाइम पास हो गया। फिर मेरी सुबह 6:30 बजे आँख खुली, सनराइज़ हो रहा था लेकिन साफ़ नहीं दिख रहा था क्योंकि हमारे सामने जो ये बिल्डिंग थी उसकी वजह से। मुझे यूके में इस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल समझ नहीं आता कि इस टैप से ठंडा पानी आता है, उससे गर्म आता है, तो बंदा हाथ के दर्द होए, लाइक यहाँ से भी पानी ले और यहाँ से भी पानी ले। मुझे इसकी समझ बिल्कुल नहीं आती। बंदा बीच में ही एक टैप लगा लेता है तो गर्म और ठंडा पानी उससे आता है, लाइक क्या है ये। अभी मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रेडी हो जाऊँ आसिफ के जागने से पहले, और फिर टाइम वेस्ट किए बगैर हम बाहर निकलें ताकि कुछ एक्सप्लोर करें। What's the time? So अभी 8:00 बज गए हैं।